वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव से पहले सीईओ का एक्शन, 6 प्रधानों को नोटिस, 2 दिन में मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पंचायत चुनाव से पहले जनपद पंचायत पहाड़गढ़ से बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत पहाड़गढ़ द्वारा 6 को धारा 40 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस पर जवाब 2 दिवस में नहीं देने पर संबंधित प्रधानों को पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह का मुख्यमंत्री पर सीधा हमला, खबर ग्वालियर से। गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में बढ़ते अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज का पूरा परिवार अवैध उत्खनन में लिप्त है, यही कारण है कि अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लग पा रही है। दिग्विजय ने कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर भी सवाल खड़े किए। एमपी के प्रसिद्ध स्मारकों पर पर्यटन बढ़ाने पर होगा जोर, केंद्रीय मंत्री ने की शिवराज की चर्चा, खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यटन मंत्री पहाड़ पटेल के बीच प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान के साथ खुजराहो में होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम पर चर्चा की गई। समय आने पर राज्य के प्रमुख स्मारकों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इस पैटर्न पर चेक होगी 10वीं और 12वीं कॉपियां, जल्द जारी होगा रिजल्ट, खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों बड़े काम की खबर है। पुराने पैटर्न परीक्षा करवाने के साथ इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल के जिले में ही कॉपियां जांचने का फैसला लिया है, ताकि रिजल्ट जल्द जारी किया जा सके। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई स्थगित, जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जल्द इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पिछले दिनों बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और कांस्टेबल रेडियो के 4000 पदों पर आवेदन मांगे थे। मध्य प्रदेश में मार्च में मौसम का मई जैसा मिजाज, वैज्ञानिक भी चकित। अमूमन मई माह में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होती है, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ती है। इस तरह की स्थिति इस वर्ष माह मार्च में बन रही है। इस बदलाव से मौसम वैज्ञानिक भी चकित है, वे इसकी वजह लगातार आ रहे पश्चिम विमोच और पूर्वी पश्चिम हवाओं का टकराव होना बता रहे हैं। संक्रमण 4 गुना हो गया, लेकिन खर्च बचाने के लिए टेस्टिंग नहीं बढ़ा रही शिवराज सरकार। कोरोना के रिटर्न अटैक ने लोगों को फिर चिंता में डाल दिया है। शिवराज सरकार गंभीर होने का दिखावा जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। एक महीने में 4 गुना संक्रमण बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार ने टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई। बताया जा रहा है कि सरकार खर्च नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए कोरोना की सीमित जाँच की जा रही है। एमपी में एक साल बाद कोरोना की दूसरी लहर, खबर भोपाल से। देश के कुछ राज्य कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गए हैं, मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। बीते साल 18 मार्च को ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला जबलपुर से सामने आया था। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बीते साल की तरह ही बढ़ने लगा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना 917 नए केस मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 294 मरीज, जबकि भोपाल में यह आंकड़ा 184 है। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने आने वाले किसानों की बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी पहचान,
खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा सिर्फ किसानों को ही मिले और बिचौलिए इसे लाभ ना उठा सके, इसके लिए शिवराज सरकार तकनीकी का उपयोग करने जा रही है। अब राज्य में गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम से पुख्ता की जाएगी। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुंडली बॉर्डर पर COVID-19 टीकाकरण के शिविर लगवाने का फैसला लिया है। जनसंपर्क एवं सूचना विभाग की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कई शिविर स्थापित हो गए हैं। पंजाब में किसान आंदोलन की आड़ में पनप रहा आतंकवाद। शिवसेना समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में आतंकवाद पनप रहा है। इसी की आड़ में राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के प्रदेश चेयरमैन नरेंद्र थापर व राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान रजनीश टीनू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान विशेष रूप में पहुँचे कमलेश भारद्वाज ने पंजाब के मौजूदा हालत पर चिंता व्यक्त की। MP बोर्ड 10-12 प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख घोषित। खबर भोपाल से। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रायोगिक परीक्षाओं के तारीख की घोषणा कर दी है। समाचार लिखे जाने तक COVID-19 कारण MP बोर्ड के परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। राशन कार्ड में ऑनलाइन जोड़ सकते हैं नए सदस्य का नाम, मिनटों में हो जाएगा काम। खबर नई दिल्ली से। राशन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए गरीबों को सस्ते में राशन मिलता है। साथ ही यह कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोगों को राशन कार्ड में नाम जुड़वाने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप नीचे दी गई जानकारी की मदद से राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम आसानी से दर्ज करा सकते हैं। दामों में 200 रुपये का मामूली उछाल, 1500 रुपये उछली चांदी। सोने चांदी के भाव आज मामूली बढ़ गए। सोने में जहां 200 रुपये प्रति ग्राम की बढ़त देखने को मिली, वहीं चांदी 1500 रुपये प्रति किलो से बढ़ी। मार्केट में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। क्या बढ़ेगा PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, कृषि मंत्री ने दिया जवाब। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी होने वाली है। पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संदर्भ में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने संसद में बताया कि PM किसान योजना की राशि नहीं बढ़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।